ex-contestant of Bigg Boss Season 11 has created an image of mastermind in his season. Yes, we are talking about Vikas Gupta, and recently there were rumors that Vikas will again enter the show with Shilpa Shinde. You heard it right, Vikas will be in Bigg Boss 12 with Shilpa. Listen to Vikas himself. To win more awards? हाँ जी, पिछले साल भी साथ में शिल्पा जी गई थी, कुछ नया नहीं है. इस साल भी शिल्पा जा रही है साथ में, पर हम लोग केवल एज अ गेस्ट जा रहे हैं, ओनली फॉर टू डेज, एंड वी विल बी बैक. एंड आई थिंक इतनी तवज्जो ना दें हम पे, तवज्जो दें वहाँ के हाउसमेट्स पे. इस साल उनका सीजन है, और वी आर जस्ट गोइंग टू होप दैट वी कैन हेल्प देम हैव मोर फन एंड अंडरस्टैंड दिस गेम अ लिटिल बिट बेटर. बताऊँ, अभी ना पहले महीने पे हो, और पहला महीना ख़त्म हुआ है ऑलमोस्ट. अभी दो महीने ढाई महीने बाकी हैं. बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी एज़ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड. कुछ बहुत ही प्रिडिक्टेबल नाम हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं बोलने का, बिकॉज इवेंचुअली नहीं, मेरा ऐसा मैं नहीं करता ऐसा. मैं मेरे को नहीं आता ऐसे शू करना. मैं सीधी लॉजिकली सोचता हूँ, फिर मैं करता हूँ. मैंने यही बोला किसी को, आई थिंक बॉम्बे टाइम्स को बोला था मैंने, कि कोई भी ना किसी को कंपेयर मत करो. कोई शिल्पा नहीं है इस सीज़न, ना ही कोई विकास है इस सीज़न. पर उसी तरीके से कोई भी दीपिका नहीं थी हमारे सीज़न में, कोई सुशांत नहीं था हमारे सीज़न में. हर एक इंसान का अपना व्यक्तित्व है. दे हैव देयर ओन पर्सनालिटी एंड दे आर प्लेइंग विद दैट पर्सनालिटी. व्हाट इज़ रियली रॉन्ग, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ गॉन रॉन्ग, इज दैट दे आर अगेन कंपेयरिंग इट फ्रॉम लास्ट सीज़न, बिकॉज लास्ट सीज़न मस्ट हैव डन बेटर. बट व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग इट फ्रॉम समथिंग फ्रॉम प्रीवियस, यू विल नॉट एंजॉय दिस सीज़न. आई रियली वुड रिक्वेस्ट, forget all of that, see them as completely different characters and you just might find something exciting in them also. I think जब वो उस हिसाब से नहीं खेलते जिस हिसाब से उन्हें खेलना चाहिए था जोड़ी, तो आई थिंक दैट इज़ अ रीज़न वाई जोड़ियाँ टूट जाती हैं. सबसे लास्ट जोड़ी जो टूटी वो है सबा सोमी की, एंड आई थिंक दैट वॉज अ मोस्ट रियल जोड़ी जो अभी हुआ है, बिकॉज देवर टू रियल सिस्टर्स बींग टुगेदर, अनूप जलोटा सर एंड जसलीन वेंट आउट, बिकॉज वेरी रियल जोड़ीज देवर. आई थिंक उससे पहले जो जोड़ीज गई वो दोस्त थे या आपस में जानते थे, और ना ही उस तरह की केमिस्ट्रीज आई. तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई जोड़ीज मस्ट हैव स्टार्टेड गोइंग ऑफ अर्लियर. बट द कंटेस्टेंट्स आर वेरी गुड एंड द वंस रिमेनिंग आर डूइंग लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स. इट्स अ जेज रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड.